पहले बोल बोल से शुरू कर। हेलो फ्रेंड्स, बोल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रा। हाय फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते एक लाइक और एक कमेंट कर देना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। उठ तो गई सुबह सुबह, लेकिन फिर भी आज बहुत ही लेट हो चुका है। अभी भी मेरी लंच बना नहीं, ऑलरेडी रेडी किया हुआ है क्योंकि दाल है, चिकन है। अब बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, क्योंकि हर रोज़ एक ही खाना अच्छी नहीं लगती है, मुझे ही अच्छी नहीं लगती है और उसको क्या लगेगा। सो इसीलिए परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज तो फ्राइडे है, मुझे जानी है क्लास पर, लेकिन नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज जन्माष्टमी और मैं तो भूल ही गई, शुभ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के लिए आकुल का स्कूल भी छुट्टी है, जन्माष्टमी के लिए भी छुट्टी है, ऊपर से स्टडी लीव है। तो ये घर पे है, माँ वहाँ पर कर रही है जन्माष्टमी की पूजा, तो वहाँ जाएगी तो बहुत तंग करेगा, इसलिए वहाँ पर भी नहीं भेज पा रही हूँ। और घर पे अंकुर का हो रहा है कॉल, सो अंकुर भी रखना नहीं चाहता उसको, देखो इतना आवाज़ आ रहा है क्या बोले, इसीलिए मैं आज क्लास ऑफ कर रही हूँ। ऊपर से उसका एग्ज़ाम भी है, उसको पढ़वाना भी है, इसीलिए पढ़ाऊँगी बैठे बैठे, और क्या कर रहा है, हर वक्त तो माँ को ही चाहिए होता है, तो क्या करूँ। सो फ्रेंड्स, यही बात है। और अभी अभी एक भैया ने फ़ोन करके बताया कि वो आ रहे हैं मेरे घर, तो इसलिए अंकुर को भेजा के जाओ थोड़ा सा दुकान पर जाओ, क्योंकि कोई आएगा और उसको खाली पीली चाय पिला के भेज दूँगी, ये बहुत बुरी बात है। दो दिन पहले मेरी एक दोस्त आई थी मेरे घर, बहुत दिन बाद प्याली, तो इतनी तबीयत ख़राब थी ना उस दिन कि मैं वही जो चेयर पे बैठी थी उधर से उठी ही नहीं, बिल्कुल हिली नहीं, ऐसे करके बैठी थी। तो उसको सिर्फ और सिर्फ चाय और बिस्किट खिला के भगा दिया, तो इतना ख़राब लग रही थी कि पूछो मत। जैसी हो, नई मेहमान नहीं है, फ्रेंड है मेरी, सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई आए तो उसको ऐसे करके भेजना नहीं चाहिए, ये बहुत बदतमीजी है। सो अंकुर ने बोला नहीं ऐसे मत करो, अब हम लोग ठीक ठाक है तो दुकान जाना चाहिए, तो वो गया है दुकान पर। सो वो दुकान से क्या लेकर आते हैं पता नहीं, क्योंकि हमारे घर के आस पास ना कोई स्नैक्स का दुकान वगैरह नहीं है, वो मिठाई या चिप्स यही लानी पड़ेगी और कुछ नहीं है। और ये तो बहुत ही बड़ा है ना, तो पता नहीं है कि वो मियाँ मोड़ कर वो ये सब खाएगा या नहीं। और अभी ये स्नैक्स टाइम भी नहीं है कि कुछ स्नैक्स लेकर आऊँ, बेसिकली अभी ये लंच टाइम है, सो मैं ऑफर करूँगी लंच करने के लिए, डोंट नो कि बोलो वो भैया करेगा या नहीं। सो यही मैं बोलना चाह रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मेरी आज चैनल पे नए हो, प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग देखते हो एक लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं देते हो, मेरी वीडियो क्या अच्छी नहीं लगती है, कहाँ पर अच्छी नहीं लगती है, क्यों अच्छी नहीं लगती है, प्लीज़ मुझे बताइए कॉमेंट करके। आप लोग बताएंगे तो मुझे शायद कुछ क्लू मिलेगा इसको ठीक करने के लिए। सोचो तो अब तो आप लोग हमारी फैमिली जैसे ही हो चुके हैं, तो हर एक छोटी सी छोटी बात शेयर कर देती हूँ। सो फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या करूँ, व्यूज़ नहीं होता है, और जितना भी व्यूज़ होता है उतना लाइक नहीं आता है, कॉमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आता है, डोंट नो क्यों होता है। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जितने सारे लोग देख रहे हो प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक कर देना, और हो सके तो अपनी दोस्तों और फैमिली के संग थोड़ा सा शेयर कर देना। यहाँ पर परवल और आलू को फ्राई करके रख चुकी हूँ, और यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून रही हूँ, भून जाएगा तो स्पाइसेस डाल दूँगी और बन जाएगा मेरी परवल आलू का सब्ज़ी। एक में भात बनाऊ, एक
घड़ी में अब बड़ा बज चुका है क्योंकि संध्या दीदी आता है घड़ी में जब बड़ा बज जाता है और संध्या दीदी परफेक्ट टाइम पे आ जाता है। सो अब ये कर रही है काम और मैं बना रही हूँ वीडियो, वहाँ पर दोनों उन दोनों बातें कर रहे हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन पे ऑर्डर किया तो उसका डिलीवरी हो रहा है आज। मैं बाद में दिखाऊंगी क्या प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेस किया। ये है हेयर मास्क जो मैं यूज़ करती हूँ और वीडियो बना के भी डाल चुकी हूँ। और ये है गुड वाइब्स का एलोवेरा फेस वॉश। और मैं दोनों नेल पॉलिश को भी ऑर्डर किया लेकिन ये बहुत ही लाइट कलर है। आज तो जन्माष्टमी है और यहाँ पर हो रही है अच्छा खासा बारिश और बारिश के संग ना हवाएं भी चल रहा है। तो पहले इसको लेकर निकली थी तो तब इतना बारिश हो रहा था कि मैं सोची कि जा नहीं पाऊँगी इसकी ट्यूशन क्लास पर। तब उसके बाद देखी कि नहीं, ये बारिश भी रुक गए और हवाएं भी चलना बंद हो चुका है। तो थोड़ी देर बाद देखी सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो जाना चाहिए इसको ट्यूशन पे, क्योंकि दो दिन बाद आई मीन 22 अगस्त से इसका स्टार्ट होने वाला है यूनिट 2 का एग्ज़ाम। सो अब इसको लेकर जा रही हूँ ट्यूशन क्लास। और इसको ये इसको देखो ये रो रहा है क्योंकि इसको जाना नहीं है, पढ़ना वरना नहीं है ना, इसलिए पढ़ाई में इसका बहुत दिक्कत है। फिर से देखो स्टार्ट हो चुका है बारिश। मैं अभी अभी बताई ना कि बारिश रुक चुका है, फिर से स्टार्ट हो चुका है। और आकुल दौड़ के चला गया क्योंकि उसको जाना ही है पढ़ाई में, पढ़ने जानी पड़ेगा इसलिए। थोड़ा सा बारिश रुक चुकी थी उसी टाइम मैंने तो आकुल को पढ़ने छोड़ने के लिए गई थी, उसके बाद थोड़ा सा रुक चुकी थी। फिर जब मैं उसको लाने के लिए गई, पूरा भीग कर आई पूरा, तब और दिखाने के लायक नहीं थी तो ड्रेस चेंज कर लिया। ये देखो पूरा भीग गई। सो फ्रेंड्स बाहर भी बहुत ही बारिश हो रहा है। अब तो हम लोगों को एक फ्रेंड के घर जानी है क्योंकि उनके घर जन्माष्टमी का पूजा होता है तो वहीं पर जाना है। लेकिन वही सोच रही हूँ कैसे जाऊँ। और ये देखो ये जो पैंट है ना ये पूरा भीगा हुआ है, ये देखो पूरा भीगा हुआ है। लेकिन ये भी छोड़ूंगी तो फिर जो पहन के जाऊँगी वो भी भीग जाएगा, सब कुछ भीग जाएगा ना, इसलिए वो कमीज़ को छोड़ दिया, आई मीन सलवार कमीज़ नहीं सलवार जो था उसको छोड़ दिया क्योंकि बॉडी में सूखेगा तो जुकाम आ जाएगा, इसलिए इसको चेंज करके ये पहन लिया और नीचे ही इसको रख दिया।
क्योंकि ये भिगा हुआ है तो ये रहेगा, तो छोड़ दो, थोड़ी देर बाद ही जाऊंगी, वापस आऊंगी उसके बाद छोड़ दूंगी। और इसको देखो, आज इतना मौसम ख़राब है, इतना बारिश हो रहा है, हमने सोचा कि इसको नहीं भेजूंगी परवे, लेकिन इतना बदतमीज़ बच्चा किसका होता है पता नहीं है, बोल बोल के, यानी कह कह के थक चुकी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मंडे से इसका एग्ज़ाम है और फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो बंगाली है। मैंने थक चुकी हूँ, सर दर्द हो चुका है, अब इसको लिटरल इसको मरना, इसको नहीं मरूँगी ना तो ये पड़ेगा नहीं। देखो आकर खाने के लिए बैठ चुका है, कोई शर्म भी नहीं है इसको, क्या बोलूँ, मैंने बोलने वाला कुछ है भी नहीं, क्या बोलूँ। अब तो रात के 9 बज चुके हैं तो निकलनी तो पड़ेगी। ये देखो हम दोनों निकले हैं, ये इधर देख, ये देखो हम दोनों अब निकले हैं, तो जन्माष्टमी का इनविटेशन है वहीं पर जाने के लिए। अभी भी मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं खरीदी, अब खरीदूंगी उसके बाद। चलो ये देखो अब आई हूँ मिठाई की दुकान पर, मिठाई की दुकान देखो पूरा के पूरा खाली है। सोच रही हूँ क्या लेकर जाओ, उसके बाद बोला भैया ने कि रसगुल्ला है वो लेकर जाओ, वो लेकर आ रहे हैं। হ্যালো ফ্রেন্ডস, হ্যালো ফ্রেন্ডস, মেরি নাম ইন্দ্রজিৎ। Looks like a spiral. Hello friends. So friends, अब तो घर आ चुकी हूँ और सबसे बड़ी बात है कि आते वक्त बाहर कोई बारिश नहीं हो रहा था, भीगी नहीं, ऐसे भी जाते वक्त ही ज़्यादा बारिश नहीं हुआ था, भीगी नहीं, और आते वक्त तो बारिश बिल्कुल भी रुक चुका है, बट घर पहुँच गई ना अब बारिश हो रहा है। सो ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, ये देखो मैं भी चेंज कर लिया, आपको भी चेंज कर लिया, तो आपको तो चेंज नहीं किया, फुल ट्यूशन से आकर ही चेंज कर रही थी, उसके बगैर कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि अब तो भिगा नहीं तो यही पहन कर रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी कल एक नए वीडियो के संग, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कमेंट ही तो नहीं करते ये लोग, पता नहीं कि क्यों नहीं करते हैं कमेंट। हम क्या गंदी करते हैं, क्या उलट पुलट बोलते हो, कल मैं देखना चाहता हूँ 3000 लाइक हो सही है, तुम्हारी खैर नहीं। क्या क्या बोल रहा है, सोचो। सो चलो, बाय बाय, गुड नाइट।